हाँ जी, अभी हम लोग घर आ चुके हैं। हेलमेट लगाने के बाद देख सकते हो बाल का क्या हालत हो जाता है। सो एनीवेज अभी हम लोग बैठेंगे एडिटिंग करने के लिए। 15 अगस्त वाला जो ब्लॉग है उसको एडिट करने के लिए बैठेंगे, उसके बाद देखते हैं ब्लॉग कितने टाइम में एडिट होता है। अगर जल्दी एडिट हो गया तो फिर शाम का कुछ प्लान है। होता है एडिटिंग करने से पहले वो कि डेटा को ट्रांसफर करना मोबाइल में, जो कि अभी हो रहा है देख सकते हो। और ऊपर से कैमरा का बैटरी भी डाउन है देख सकते हो, रेड ब्लिंक कर रहा है। दिखाता हूं मैं यहां पे, देखो कैमरा का बैटरी शो कर रहा है मोबाइल पे, रेड ब्लिंक कर रहा है। सो देखते हैं ट्रांसफर होता है या नहीं होता। अगर कैमरा ऑफ हो गया तो फिर टाइम वेस्ट होगा। सो पहला काम हो चुका है डेटा ट्रांसफर, कैमरा से मोबाइल में ट्रांसफर हो चुका है डेटा। अभी दूसरा काम है कि इसको लगाना है चार्ज पे। तो लगभग 11:10 में हम लोग घर आए थे एंड उसके बाद डेटा ट्रांसफर करते करते हो गया अभी 11:52। सो अभी हम लोग बैठते हैं एडिटिंग के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो बहुत देर अभी एडिटिंग हो गया, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। टाइम लगभग अभी हो चुका है, एक मिनट में बता रहा हूँ, 1:58 हो गया देख सकते हो। एंड मतलब 11:52 में हम लोग स्टार्ट किए थे, मतलब 12 बजे समझो, एंड अभी 2 बज चुका है। तो 2 घंटा हो चुका है एडिटिंग के लिए। 2 घंटे से बैठा हुआ था एडिटिंग कर रहा था, हालत खराब हो गया। अभी थोड़ा सा पानी ब्रेक लेते हैं 5 मिनट के, उसके बाद फिर एडिटिंग में बैठेंगे। 70% लगभग कम्प्लीट हो चुका है, 30% बाकी है, वो 1 घंटे में हो जाएगा एंड अगला 1 घंटे में वीडियो अपलोड भी हो जाएगा अगर नेटवर्क सही रहा तो। बहुत ज्यादा थकावट लग रहा था, तो थोड़ा सा एनर्जी चाहिए था बॉडी को, इसीलिए थोड़ा सा वार्म अप एंड अभी फिर बैठते हैं एडिटिंग करने के लिए एंड अभी कंप्लीट कर ही उठेंगे। फाइनली अभी वीडियो कंप्लीट हो चुका है एंड एक्सपोर्ट में हम लोग डाल देंगे। तो एक्सपोर्ट में यहाँ से हम लोग डाल देते हैं, एक्सपोर्ट में अभी वीडियो हो रहा है। नहीं, 2.5 GB का एक्चुअली फाइल बना है, सो आई गेस कि जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाए, उसके बाद उसको अपलोड भी कराना है। एक सिम में तो अपलोड होगा नहीं, तो सोच रहे स्टेशन जाके वहाँ का वाईफाई से अपलोड करते हैं। तो पहले देखते हैं कि एक्सपोर्ट कितना देर में होता है। एंड हालत देख रहे हो ना, एडिटिंग करते करते क्या हालत हो चुकी है, पसीना पसीना हो गया है। एडिटिंग करने के लिए बैठे थे 11:52 में, मतलब समझो 12 बजे एडिटिंग करने के लिए बैठे थे एंड अभी टाइम हो रहा है 4:10। सो बेसिकली 4 घंटा अब कुछ मिनट एडिटिंग को लगा है। सो कोई बात नहीं, आज का ही ब्लॉग शूट हुआ था, आज ही एडिट हो गया एंड आज ही अपलोड हो जाएगा। तो फिर जो चीज़ सोचे थे वो चीज़ कंप्लीट हो गया। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फिर बाहर जाते हैं। तो अभी हम लोग बाहर आए कुछ खाने पीने के लिए, बेसिकली कुछ खाए पिए नहीं थे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। सुबह में वही 4 टुस्का जो हमने खाया था, रनिश 3 टुस्का खाया था ना, बस वही हम लोग खाए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था एडिटिंग करते करते। अभी 4:30 बज चुका है। अभी खाने के बाद जान में जान आया, थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा बॉडी में महसूस हुआ। वीडियो भी एक्सपोर्ट हो गया है पूरा एंड इसको अभी अपलोडिंग में डाल दिए हैं, देख लो अपलोड हो रहा है। एंड स्पीड थोड़ा कम हो गया है, आई डोंट थिंक कि अपलोड हो पाएगा। अभी 100 KB में चल रहा है, 1% अपलोड हो चुका है, अब देखते हैं कब तक अपलोड हो जाएगा। तो घर पे व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है, स्पीड बहुत कम था, तो हम बाहर निकले अभी बिग बाजार के पास आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्पीड तो यहाँ पर भी कम है, पता नहीं अभी ब्लॉग अपलोड होगा कि नहीं। अभी 6 बज चुका है, तो लेट्स सी कि कब तक ब्लॉग अपलोड होता है, बट अपलोड तो आज करके जाएंगे, बाय बाय, शो हो जाए।
तो बिग बाजार के पास भी नेटवर्क सही से नहीं पकड़ रहा था, तो अभी हम लोग सिरम टोली चौक के पास आ गए। KTM शोरूम होगा यहाँ पे, देख लो। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पीड मिल रहा है, 57% अपलोड हो चुका है एंड 6:30 बज रहा है। कितना बज रहा है? 6:25, 6:30 हो गया, लगभग 6:25 है। सो लेट्स सी अभी कब तक अपलोड होता है। आई गेस 7 बजे तक अगर ऐसा स्पीड रहा तो अपलोड हो जाएगा। आई वॉन्ट यार कि आज अपलोड किसी तरह हो जाए वीडियो, अब देखते हैं क्या होता है। यार देखो 2.5 GB का फाइल था, 1.5 GB मेरा फ़ोन से ख़त्म हो गया, 55% ही अपलोड हुआ है। उसके बाद फिर हमने दूसरे फ़ोन से मतलब दूसरे नंबर में रिचार्ज किया है, उससे फिर अपलोड कर रहे हैं। तो देखो यार इतना मेहनत करके अपलोड कर रहे हैं, तो लाइक करने मत भूलना वीडियो को, खास करके 15 अगस्त वाला वीडियो को। सो हाँ जी, अभी हम लोग घर आ चुके हैं। बेसिकली अभी क्या हुआ कि देखो वीडियो 100% अपलोड हो चुका था, प्रोसेसिंग भी पूरा फाइनल हो चुका था, मतलब पूरा डन हो चुका था। एंड उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो शो ही नहीं कर रहा था। सो फिर से अपलोड करना पड़ा, 7 बजे हम लोग का 100% अपलोड हो चुका था, बट फिर वो शो नहीं करने लगा, तो फिर से हम लोग को अपलोड करना पड़ा। एंड अभी 30% अपलोड हुआ, अभी बज रहा है 7:30 लगभग हो रहा है, 30% अपलोड हो चुका है। अब देखते हैं कब तक वीडियो आता है। आज ही यार पता नहीं अजीब अजीब चीज़ हो रही है हमारे साथ। तो ऐसा जब भी होता है ना यार, मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब डाउन हो जाता है मूड, मन नहीं करता कोई काम करने का। सो अभी चलते हैं खाने के लिए, खा पी के आते हैं, उसके बाद अपलोडिंग के लिए तो लगा हुआ है, अपलोड तब तक हो जाए तो बढ़िया है। सो फाइनली अभी 8:05 में वीडियो अपलोड हो चुका है, ये देख लो। तो फाइनली इंडिपेंडेंस डे ब्लॉग रांची अपलोड हो चुका है। सो अगर नहीं देखो अभी तक तो जाके उसको देख लो। एंड ये था उसके पीछे का स्टोरी, आज का ब्लॉग जो भी था वो था इंडिपेंडेंस डे वाला जो ब्लॉग था, उसके पीछे का स्टोरी कि किस तरह से उसको अपलोड करने में हम लोग को दिक्कत आई एंड किस तरह से वो आखिर में अपलोड हुआ। एक्चुअली प्लान था कि उसको हम 3 बजे या 4 बजे तक अपलोड कर देंगे, बट 4 बजे तो एडिटिंग कम्प्लीट हुआ, मतलब 4 घंटा लगा हम लोग को एडिट करने में। उसके बाद 4 घंटा लगभग हम लोग 4:30 से ट्राई कर रहे थे, अपलोड हुआ 8 बजे, तो समझो 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 4 घंटा लग गया उसको एडिट करने में और 4 घंटा अपलोड करने में। बट फाइनली अभी अपलोड हो चुका है, तो अब थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं, अब थोड़ा मूड भी सही हो चुका है। तो लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अभी ज़्यादा व्लॉग करते नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड पता ही क्या करना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो और व्लॉग देखते रहो। चलो बाय।